हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार डीके कैरियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों? तो जैसा कि साथियों मैंने आपको कल लास्ट डे बताया था कि मैं आपके लिए जो आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम है स्पेशली उसके लिए स्टैटिक जीके की जो 10 नंबर की आ रही है उसी क्लासेस में आपके लिए जो सिलेबस है आपका उसके हिसाब से पूरी कराऊंगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की आपके लिए मैं डेली छोटी छोटी 8 से 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट तक की वीडियो आपके लिए डेली लेकर आऊँगा। उसमें आपका छोटा छोटा डेली एक टॉपिक कवर होगा और हर टॉपिक से लगभग आपके लिए 1 से 2 सवाल मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ये क्लास सिर्फ नॉट ओनली पैट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बल्कि आपके बनडे एग्ज़ाम के लगभग लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होने वाली है। तो इस सीरीज़ को मैंने जो स्ट्रेटेजी जीके की बनडे एग्ज़ाम की जो सीरीज़ शुरू की है इसके लिए मैं आपके लिए यूट्यूब पर एक अलग से प्रैक्टिस वो मतलब प्ले लिस्ट बना दूंगा और तहाँ से आपके लिए वीडियो मिलती रहेगी पर डे एक, तो पर डे एक वीडियो मिलेगी। इसके अलावा जो आपकी टॉप 50 की चल रही है जीएस की सीरीज आपकी ऑब्जेक्टिव की वो अलग चलेगी। ठीक है, इसके अलावा संडे टू संडे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो एक और दिया करूँगा मैराथन। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट है कि आप सब लोग का अधिक से अधिक हर एग्ज़ाम में स्कोर कैसे हो सके। अभी आपका पैट का एग्ज़ाम की डेट आई हुई है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे हो सके आपका। अभी तक आपकी पैट की एग्ज़ाम की डेट 18 सितंबर थी, चूँकि कल आयोग का नया नोटिफिकेशन आ गया उससे वो आपकी डेट अब 1 महीने और बढ़ गई है, वो आपकी डेट 15 और 16 अक्टूबर हो गई है। तो अब आप लोग के पास थोड़ा समय भी मिल गया तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर कीजिएगा। तो स्टडी जीके की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपका पहला ही टॉपिक है, सामान्य जागरूकता वाला जो आपका सिलेबस है उसमें आपका पहला ही टॉपिक है कि भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है, कितना उनकी सीमा हमारे भारत के साथ साझा करती है और उन देशों से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 10 मिनट के अंदर तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा इसमें सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो इसकी एक ट्रिक है कि बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया से आप समझ सकते हैं आपका 82 हो जाता है बांग्लादेश जिससे सबसे ज़्यादा हम सीमा अपनी साझा करते हैं, 84 हो जाता है चीन उससे बाद 85 हो जाता है पाकिस्तान और 89 हो जाता है नेपाल और 90 हो जाता है म्यांमार और 20 हो जाता है भूटान और 100 हो जाता है अफगानिस्तान। तो बेटा एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम सारे के सारे जो 7 देश हैं जिनसे भारत अपनी स्थलबद्ध सीमा लगाता है, स्थलीय सीमा लगाता है, उन देशों की ट्रिक को हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला देश है हमारा जिससे भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, उस देश का नाम है हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में आइए कुछ पॉइंट हैं जान लेते हैं। सबसे पहला कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 4096.7 किलोमीटर है, यानी भारत अपनी सबसे लंबी सीमा के साथ साझा करता है तो वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई है भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा को साझा करते हैं या लगते हैं, यानी भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, उसमें पश्चिम बंगाल है, एक असम है, एक आपका मेघालय है, एक त्रिपुरा है और एक आपका मिजोरम है। इन 5 राज्यों की सीमा जो है वो हमारे बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है बांग्लादेश से कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में से बांग्लादेश भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये बात मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दी। तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके भारत और बांग्लादेश के साथ हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है, पैट का एग्ज़ाम है स्ट्रेटेजी के थोड़ा सा इसी तरह से पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। बाकी अगला जो टॉपिक होगा मेरा वो हमारा देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं होंगी, तब आप इन देशों की सबकी राजधानियां भी जानेंगे। ठीक है, जो कल वीडियो आपको मिलेगी। तो दूसरा देश है हमारा पड़ोसी देश में हमारा चीन आता है दूसरा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर है। ठीक है, भारत और चीन जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं वो 3488 किलोमीटर है। अब भारत के जो राज्य हैं जैसे कि आपका लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये चीन की सीमा से लगते हैं, यानी चीन से अपना बॉर्डर कौन कौन से राज्य मिलाते हैं, एक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5 अरुणाचल प्रदेश, यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा चीन के साथ लगाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब नहीं लगा रहा है, अब लद्दाख लगा रहा है, ठीक है, उसकी जगह पर। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा चीन के साथ साझा करते हैं। तीसरा पॉइंट है चीन विश्व का सर्वाधिक राष्ट्रों
यानी 14 राष्ट्रों की सीमा को स्पर्श करने वाले थे। चीन विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा देशों से, सबसे ज़्यादा राष्ट्रों से अपनी सीमा साझा करता है। कितने राष्ट्रों से? 14 राष्ट्रों से। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखना। इसके बाद एक रेखा है, इसको कहते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। तो ये रेखा भारत को चीन से अलग करती है, ठीक है? भारत और चीन का बॉर्डर बनाती है मैकमोहन रेखा, ठीक है? भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण करने का श्रेय सर हेनरी मैकमोहन को जाता है, ठीक है? एक व्यक्ति थे सर हेनरी मैकमोहन, इन्होंने इस रेखा को बनाया था। तो इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया, ठीक है? 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बॉर्डर पर खींचा गया था, तो 1914 में, ठीक है? दो देश हमने जान लिए। तीसरा देश है हमारा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की अगर मैं लंबाई करूँ तो उस लंबाई है ये 3323 किलोमीटर लगभग, ठीक है? भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लगभग 3323 किलोमीटर है। और भारत के चार राज्य कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा लगाते हैं, ठीक है? अब चार के अब तो पाँच हो जाएंगे, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख भी थोड़ी सीमा लगाता है लेकिन मेनली जम्मू कश्मीर ही लगाता है, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से अपनी सीमा लगाते हैं। अगला पॉइंट, ये की रेखा है रेड क्लिप रेखा, ठीक है? ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को बनाती है। तो रेड क्लिप रेखा ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करती है, ठीक है? भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करता है। इस रेखा का निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिप के द्वारा बनाया गया था। उस समय बांग्लादेश एक अलग देश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान नाम से दो देश थे, ठीक है? मतलब दो एरिया थे। तो उसी समय 1947 में बंटा था, पाकिस्तान को अलग अलग आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान अलग देश बनाया गया था, तब ये रेखा खींची गई थी सर रेड क्लिप के द्वारा, ठीक है? फिर बांग्लादेश 1971-72 में बाद में एक अलग देश बना है। अगला सवाल, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है, ठीक है? चौथा बड़ा बॉर्डर है ये। सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है भारत का, नंबर दो पे 3488 किलोमीटर चीन के साथ है, नंबर तीन पे 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ है, और नंबर चौथे पे 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ। मैंने क्रम से इसीलिए दिए हैं ये देश। तो 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के पाँच राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, सीमा इनकी लगती है। इसी के अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी? 8850 मीटर, ठीक है? अभी पुरानी बुकों में 8848 मीटर ही आपको मिलेगी, ठीक है? लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग और नई बुकों के अकॉर्डिंग 8850 मीटर है। आपके ऑप्शन में जो दिया हो आपको वो लगाना है, दोनों नहीं दिए होंगे ये, ठीक है बेटा? विश्व सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व का नेपाल ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसका ध्वज आयताकार नहीं है। भाई हर देश का ध्वज कैसा होता है? हर देश का ध्वज इस तरह का होता है ना, आयताकार, जैसे अपना इंडिया का है आयताकार है इंडिया का ध्वज, इस तरह से है ना, इंडिया का ध्वज इस तरह से है। लेकिन नेपाल का ध्वज पता कैसा है? नेपाल का ध्वज इस तरह का है, अभी बना के दिखा रहे हैं। नेपाल का जो ध्वज है वो आयताकार ना होके इस तरह का है, ठीक है? एकमात्र देश ऐसा है जिसका ध्वज इस तरह का है, ठीक है? आयताकार नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देश है आपका म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की लंबाई देखो पाँचवें नंबर का है ये, 1643 किलोमीटर है। भारत के चार राज्य मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ अपनी सीमा लगाते हैं, या भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला पॉइंट, छठा देश है भूटान। तो भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। ये बेटा बॉर्डर घटते हुए क्रम में चल रहे हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा को घटते हुए क्रम में ही पढ़ रहे हैं। तो भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। और भारत के चार राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम भूटान की सीमा से लगते हैं, यानी भूटान से ये चार राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं। लास्ट है अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर सबसे कम है। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। भारत का एकमात्र प्रदेश कौन सा है? वो भी यूटी है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो है लद्दाख, भाई अफगानिस्तान से सिर्फ अपना बॉर्डर बनाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करने वाला देश है, अभी मैंने बताया ना 106 किलोमीटर। तो सबसे कम हमारा बॉर्डर किससे लगता है? अफगानिस्तान से लगता है। एक रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, डूरंड रेखा। ये रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है डूरंड रेखा। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड द्वारा
1896 में किया गया था। तो बेटा ये थी आपकी आज की सीरीज, स्टडी जीके की सीरीज में आपकी फर्स्ट क्लास था आपका ये, ठीक है, जिसमें हमने जाना थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये भारत के 7 वो पड़ोसी देश थे जो भारत से अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा हमारे 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं, उनमें एक है हमारा मालदीप और एक है हमारा श्रीलंका, ये भी आप याद रखना। तो भारत के टोटल पड़ोसी देश 9 हो गए, 7 स्थलीय और 2 जलीय, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं इस स्ट्रेटेजी की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।